सूचना एवं तकनीक के इस दौर में भारत का नाम दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली देशों में लिया जाता है। भारत की गिनती विकासशील देशों की श्रेणी में की जाती हो, बावजूद इसके हमारी गिनती परमाणु हथियार संपन्न देशों में भी की जाती है। भारतीय वैज्ञानिक हर बार नई नई तकनीक इजाद कर दुनिया में भारत का परचम लहरा रहे हैं। आइए जानते हैं भारत ने खुद को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा एक ही रॉकेट के माध्यम से रिकॉर्ड 104 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। GSLV MK3 की लॉन्चिंग स्पेस टेक्नोलॉजी में बड़ा बदलाव लाने वाले मिशन के तौर पर देखा जा रहा है। अब भारत दूसरे देशों पर डिपेंड हुए बिना ही बड़े और भारी सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग देश में ही कर सकता है। तमिलनाडु के पल्लापति में रहने वाले 18 वर्षीय रिफत शाहरुख ने दुनिया का सबसे छोटा सैटेलाइट बनाया है। 64 ग्राम के इस सैटेलाइट को कलाम सैट नाम दिया गया है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज और सबसे भयानक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। इसे पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, विमान से या जमीन से भी छोड़ा जा सकता है। भारत के मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM ने पहले ही प्रयास में लाल ग्रह की कक्षा में स्थापित होने का नया इतिहास रचा है। भारत ने अब खुद का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम विकसित कर लिया है। अब भारत को दूसरे देशों के नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। अमेरिका, रूस और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद भारत अत्याधुनिक स्क्रैमजेट रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। अमर उजाला.com